गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों 62,400 पे आ गया, 64 से फिर 2,000 नीचे गिर चुका है। क्या है इसके पीछे रीजन और तीन न्यूज़ निकल के आई है बहुत ही अच्छी अच्छी, वो भी आपको अपडेट मिलने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ट्विटर पर चलें, उससे पहले मार्केट पर एक नज़र यहाँ पर मार ली जाए। 62,473 पे चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस। शिबा इन कॉइन की बात की जाए 23 पे चल रहा है। फ्लोकी की बात की जाए 17 की सीरीज चलती हुई नजर आ रही है। पेपे की बात की जाए 79 की सीरीज चली है चलती नजर आ रही है। और बॉन्ग की बात की जाए 23 की सीरीज यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो चलते हैं दोस्तों, ट्विटर पे क्या अनाउंसमेंट है वो भी फटाफट जान लीजिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको लगातार ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता, तो उसके जरिए आप तक वीडियो पहुँच सके। तो सबसे पहले जो दबाव बन रहा है मार्केट के अंदर, 64 से 62 तक प्राइस क्यों आया वो समझते हैं। उसके बाद जो दो गुड न्यूज निकल के सामने आई है बहुत ही शानदार, वही आपको बताने वाले। तो पहली जो न्यूज है, फेड ऑफिशियल से कीपिंग इंटरेस्ट रेट वेयर दे आर फॉर लॉन्गर देन द पब्लिक एक्सपेक्टेड इज मच मोर लाइकली देन राइजिंग रेट्स। तो यहाँ पे फेड की जो मीटिंग थी, उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई हम लोग जो इंटरेस्ट रेट है वो लंबे समय तक कम नहीं करने वाले हैं, और इसको यहीं रोकने की कोशिश करेंगे बढ़ाने से अच्छा। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को सामने निकल के आ रही है, और उसी का रिएक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। 2000 का दबाव जो पॉइंट्स का बना है वो इसी न्यूज के चलते हुए बना है। कोई बड़ी कह सकते हो नेगेटिव न्यूज ऐसी नहीं है जिससे कोई ऐसा कह सके कि मार्केट भाई 50K या 55K चला जाएगा, ऐसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया है। और अगला ट्वीट है जो डोनाल्ड ट्रंप, प्रेजिडेंट इलेक्शन विन विल बी पॉजिटिव फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है उनका कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेजिडेंट का इलेक्शन विन कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को ये लीगल दर्जा देने वाले हैं। ये बार बार अपने इलेक्शन में यही कह रहे हैं। और आपको बता दूं, एल सल्वाडोर ने ऐसा ही किया था और वो वहाँ का प्रेसिडेंट दोबारा से फिर चुना गया, क्योंकि वहाँ उसने एक बिटकॉइन डेली बाई करने की बात करी थी, तो उसके चलते लोगों ने उसको दोबारा से, उसने जो गवर्नमेंट का पैसा था वो डबल ट्रिपल कर दिया था, तो इस वजह से उसको दोबारा इलेक्शन जीतने में संभव पॉसिबिलिटी मिली। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी वही नीति अपना रहे हैं, तो ये भी लीगल करने की बात कर रहे हैं, तो आई होप ये भी जीतने चाहिए, क्योंकि लोगों को क्रिप्टो से लगाव लोगों का बढ़ता जा रहा है, और जो इसको बैन करने की बात कर रहे हैं लोग उसके लगभग खिलाफ हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज आने वाले टाइम के अंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। जी हाँ, 438 बिलियन एसेट मैनेजर ने यहाँ पे बोल दिया है कि उनके पास जो पोर्टफोलियो है बिटकॉइन का, उन्होंने 1.3 बिलियन का बना लिया है। तो आप समझ सकते हो मार्केट को नीचे क्यों गिराया जा रहा है। बड़े बड़े जो मगरमच्छ जो वेल्स हैं ना, वो यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कब ये लोग बाय कर लेते हैं। और आपके सामने है 1.3 बिलियन बिटकॉइन ETF से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बना लिया है। तो माल तो वेल्स बटोरती रहती है, और जब भी प्राइस को डंप करवाया जाता है एक बड़ी वेल्स की एंट्री करवाने के लिए, ये सारा ताम जाम जो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट नीचे आए ऊपर आए, अपने को तो इस साल के एंड तक 1.5 लाख का जो प्राइस है बिटकॉइन का वो देखना है, और वो वहाँ तक लाजमी पहुँचेगा, ये बिल्कुल श्योरिटी है। और वहाँ तक अगर बिटकॉइन पहुँचेगा तो बाकी कॉइन यही नहीं रहने वाले, बाकी कॉइन भी, चाहे वो शिबा है, फ्लोकी है, पेपे है, कोई भी कॉइन है, बॉन्क है, विटगट है, और भी बहुत से अल्ट कॉइन है, जो कि वहाँ तक अगर बिटकॉइन जाएगा तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे अपने को देने वाले हैं। तो बने रहिए, होल्ड कीजिए, वेट कीजिए, मार्केट ऊपर भी आएगी, नीचे गिरी है तो उठेगी भी, ख़त्म नहीं हुई, गिरी है उठेगी भी ज़रूर। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में अपने और भी अपडेट लेके आने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।